डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। डार्क टाइम न्यूज से मैं समीर सिद्दीकी आज दिनांक 23/10/2018 को तहसील खड्डा जिला कुशीनगर में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों पर शपथ ग्रहण कराने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य विशिष्ट अतिथि खड्डा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय विजय दुबे ने दीप प्रज्वलित कर शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया, तथा जिसके बाद स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात अधिवक्ता संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारी श्री ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव अध्यक्ष, अवधेश कुमार यादव महामंत्री, गिरिजा शंकर पांडे उपाध्यक्ष, नित्यानंद पांडे कोषाध्यक्ष को अपने पद की गरिमा को बनाए रखने एवं अधिवक्ता संघ को समृद्धि दिलाने तथा अधिवक्ता संघ के उचित नियमों का पालन करने व अपने कर्तव्यों का पालन करने का शपथ माननीय उप जिलाधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि श्री विजय दुबे जी ने शपथ दिलाया, जिसके आयोजक रहे भानु प्रताप पांडे तथा कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तहसील खड्डा के अधिवक्तागण एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता के साथ स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र जनता मौजूद रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि अधिवक्ता बंधुओं द्वारा सौंपे गए अपने पद से संदर्भित कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करूंगा तथा अधिवक्ता बंधुओं व वाक्कारियों के हितों के प्रति सर्वदा संवेदनशील रहते हुए बार व बेंच के मध्य पारस्परिक एवं सर्वकालिक समन्वय हेतु सतत प्रयत्नशील रहूंगा। अपनी भी कमी को देखना चाहिए। अभी तक तो आप लोग गंभीरता पूर्वक ये आवाज भी न उठाए थे, आज इस शपथ ग्रहण समारोह में इस मुद्दे को उठाए हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ ये जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। और विजय कुमार दुबे तो आपके इस उठे आवाज को पूरा कराने के लिए चाहे राजस्व मंत्री से मिलना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिलना पड़े, इस कार्य को अवश्य कराया जाएगा। और उसमें कहीं कमी रह गया हो तो जनहित के कितने मुद्दों पर आंदोलन धरना प्रदर्शन करने का तो इतिहास रहा हम लोग का। और इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व विधायक भी हूं, आंदोलन धरना तो नहीं कर सकते, लेकिन आज तक कभी आप पढ़े नहीं होंगे कि मेरे 15 साल के इतिहास में कभी मैं अनशन किया हूं, लेकिन आपके इस मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आमरण अनशन भी करना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। और आपके हर इस आवाज पर हम लोग प्रयास करेंगे। और आज के इस अवसर पर केवल हम ही को जल्दी नहीं है, मैं समझता हूं इतना समय आप लोग दे चुके हैं कि सबका समय कीमती है, किसी को कार्यक्रम में है, किसी को कुछ है, हम लोग का तो निभुआ दंगल शायद
अभी मिल जाए। और इसी के साथ मैं अपनी मठिया मेला, मेरा 90वां साल ऐतिहासिक स्थित का मेला, आप लोग के घर का मेला, 29 तारीख को मेला और 30 को विराट दंगल का आयोजन होगा। सभी लोग यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोग को आमंत्रित करता हूँ। और इसी आज के इस शुभ घड़ी पर मैं ये नव निर्वाचित बार एसोसिएशन का ये शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है। और मैं बताऊं इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए, कल मैं लखनऊ था और फिर मुझे कल आवश्यक कार्य से लखनऊ रहना है। केवल इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए मैं रातों रात चल के आया हूं और फिर यहां से। किस तरह का आपका सहभागिता था? मेरा सहभागिता मेरे गांव क्षेत्र, मेरे इलाका, मेरे विधानसभा में ये तहसील सौभाग्य से इस जनता को ये सुविधा मिला, यहाँ स्थापना हुआ। नहीं तो फिर एक मुकदमा और एक काम के लिए लोगों को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। आज ये मिला है सबको सुविधा। तो यहाँ के जो शपथ ग्रहण, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें सभी लोग मिलजुल के आज यहाँ सहभागिता किए हैं। क्षेत्र के सभी सामाजिक कार्यों में अपना अमूल्य समय देने वाले यहाँ बड़े बुजुर्ग अनुज सभी लोग हैं, अधिकारीगण देख ही रहे हैं, सभी लोग हैं। हम लोग सलाह दिए हैं कि समाज की बेहतरी और उन्नत के एक मार्गदर्शक के रूप में अधिवक्तागण होते हैं, क्योंकि समाज में इनका समय 24 घंटा बीतता है। जीवन यापन के लिए तो ठीक है कि इनका एक व्यवसाय हो सकता है, लेकिन समाज में उठना बैठना जितना इनका होता है उतना किसी और, स्वास्थ्य विभाग के शिक्षक हों, चाहे शिक्षा के शिक्षक हों, चाहे चिकित्सक हों, वो लोग भी उतना समय नहीं देते हैं। और हम समझते हैं कि समाज के मार्गदर्शक होने के नाते एक जिम्मेदारी इन लोगों पर है। समाज के रूढ़वादी वो परंपरा जो समाज को जातियों में भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत में भेदभाव बांटकर पीछे करने के क्रम में जो समाज का सबसे बड़ा विकास का अवरोध है, इसको दूर करने में अधिवक्ता गणों का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम लोग इनके हर कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं और करना चाहिए हर सामाजिकता निभाने वाले लोगों का। इसी क्रम में आज इस शपथ ग्रहण समारोह जो इन लोगों का आयोजित था, इसमें हम लोग भाग के लखनऊ से यहाँ पहुँचने का था। अधिवक्ता संघ का कहना है कि आप ही के कार्यकाल में तहसील के प्रांगण, सही है, मैंने तो अभी बताया यहाँ पर अपने संबोधन में, यहाँ के बताया ना कि नदी के उस पार दर्जनों गांव है और यह जहाँ आप हैं खड्डा, अब यहाँ से आप दूरी जोड़ लीजिए पड़रौना के, ये 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी तय करके छोटे काम के लिए तहसील में जाना पड़ता था, आज आपको ये सुविधा यहीं पर मिल रहा। तो ये मैंने अपने कार्यकाल में पहला लक्ष्य बनाया, चूंकि यहाँ मांग बहुत पुरजोर था, तो मैंने लक्ष्य बनाया अपने कार्यकाल के हर सदन कार्यकाल में, नियम 51-56 में मैंने जरूर सबसे पहले अगर कोई प्रश्न मैं उठाता था तो खड्डा में तहसील की स्थापना हो, इसका ही मुद्दा मैं बनाया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप में मिला, सदन के अंदर मिला, मिलकर मैंने उनसे कहा भी इस बात की तरफ कि वहाँ आवश्यक है, मानक भी है, खड्डा नगर में मिल है, ये आपके ब्लॉक है, डिग्री कॉलेज है, स्टेशन है, सब कुछ सुविधा होते हुए आज तक क्यों नहीं हो सका, जगह भी उपलब्ध है। उसी समय वो कहे भी थे कि आप, लेकिन वहाँ तो विधायक आप हैं, मैंने कहा था उनसे कि स्थापना हो जाएगा तो आपका नाम पहले लिया जाएगा, मुझे तो केवल संतुष्ट होगा कि मेरे कार्यकाल में तहसील का स्थापना हुआ। और यहाँ के भवन निर्माण के लिए फिर आज मैंने कहा कि पुरजोर जो आवाज उठनी चाहिए, आज तक उठाए नहीं आप लोग, ये रजिस्ट्री ऑफिस के लिए उठाए थे, कभी आप लोग भवन निर्माण हो इसके लिए कौन उठाया आवाज, आज उठा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग दिलवाएंगे। अधिवक्ता संघ आपसे उम्मीद करते हैं किसका निर्माण के लिए? देखिए, किसी एक से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, मैंने अभी कहा कि जब आप कह देंगे कि आप ही का ये जिम्मेदारी है तो अन्य जो जिम्मेदारी लोग सहयोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए, वो लोग भी शिथिल हो जाएंगे। अब मैं तो ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि आपके इस तहसील भवन में, चूंकि हमारे सरकार हमारी पार्टी का सरकार, लोगों का कहना है सर कि आप जुझारू नेता हैं, आपके अलावा कोई और नहीं करा पाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसी बात का मैं विरोध करता हूं कि मेरे अलावा क्यों नहीं करा पाएगा, छोटा कार्यकर्ता भी करा लेगा, उसमें वो संकल्प होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, हम लोगों ने चूंकि
संघर्ष की ही उपज है हम लोग इस सामाजिकता जीवन में, और विश्वास दिलाते हैं कि ये तहसील भवन निर्माण होगा हमारी सरकार का। धन्यवाद। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।